अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं जी। तो टाइम हो गया जी, सुबह सुबह का, अभी हम उठे हैं। अभी मैंने देखा जी, फ्रेश हूँ, नहाया हूँ मैं और आके अभी काम पे जाने लगे हैं। तो काम का आज जो है ना, मुझे लगता है मेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि मैंने कल ड्राइवर का एक बंदोबस्त किया है। तो वो ड्राइवर भी आज सुबह आ जाएगा, मैं ही जा रहा हूँ उसको आज। उसके साथ पूरा दिन मैंने रहना है, उसको समझाना है काम वाम कैसे काम करना है, कैसी रूटीन दिखानी है। फिर उसके बाद कल से मैं शायद नहीं जाऊंगा, फिर एक दो दिन तक हमारी तैयारी है। फिर और जैसे तैयारी करनी है, शॉपिंग हो गई है भाई, जो कुछ होगी भी शॉपिंग करना नीले अंदर बैठी हुई किचन में, तो भाई शॉपिंग वगैरह होगी है सब कुछ। तो भी जाते हैं किचन में, तो क्या कर रही, जल्दी नाश्ता करके आज काम पर जाते हैं। तो ये शनाज जी खड़ी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम बिल्कुल ठीक है। तो अभी है सुबह का टाइम, हम बना रहे हैं जल्दी जल्दी में नाश्ता, तो उसके बाद जाना है जॉब पे, क्योंकि एक दिन ही है हमारे पास बच्चे हैं। जॉब पे भी जाना है और घर का भी पैकिंग वैकिंग भी करनी है। तो ये क्या पानी खाली बॉइल कर रही है क्या? हाँ, ये पानी बॉइल कर रही है। इसका मतलब नाश्ते में टाइम लगेगा क्या? बस आटा गूंद मसाला पड़े, आपने रोटी खानी जल्दी बना के दे देती हूँ, चाय को हटा दूंगी। चलो देख लो जल्दी जल्दी, अगर हो जाए तो कर दो, काम पे भी जाना है। तो भाई इंशाल्लाह अच्छे अच्छे ब्लॉग हमारे आएंगे, आपने हमारी सपोर्ट करनी है, ऐसे हमारे ब्लॉग देखने हैं। तो भाई अभी जल्दी जल्दी नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद फिर जाना है काम के ऊपर, मैंने आपको जैसे बताया। तो फिर आके जैसे जैसे रूटीन होती है, अभी ब्लॉग जो है वो और ज़्यादा दिलचस्प होते जाएंगे, ऐसे ना शनाज? ऐसे ही होते जाएंगे इंशाल्लाह। चलो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, फिर मैं वेट कर रहा हूँ। बाहर का मौसम देखें जी, और ये कपड़े देखें जी, ये के कपड़े सारे धुल चुके हैं जी, और ये नीचे वाले सारे, ये जी बेगम साहिबा ने मेरे लिए सारे इनको धो दिए। तो बस इस्त्री नहीं किया आपने? अच्छा, धोबी से इस्त्री कराने। अच्छा, तो ये कह रही है अभी इस्त्री धोबी से कराने हैं, धो इसने दिए हैं। चलो अभी और क्या, कोई काम रहता है क्या? और अंदर कपड़े की दो बाल्टी पड़ी है, वो डालनी है। आज फिर बाद में डालना, आज अब नहीं, फिर बाद में डालना, तो मुझे देर हो रही है। तो आज फिर वो ड्राइवर भी आके खड़ा होगा, फिर कहेगा कि भाई अभी तक आप आए नहीं हो, चले जल्दी जल्दी। और जी ये जी हमारी है जी मोटर बाइक, ये मैंने इसका थोड़ा ना काम कराया है थोड़ा बहुत, अभी इसको मैंने धुलवाना है, धुलवा के और इसको मैंने अच्छी तरह पैक करना है, पैक करके यानी कि खड़ी करनी है घर। तो ये इसका थोड़ा ना, ये सही नहीं है, ये भी मैंने ये सही कराऊंगा या पैदान या नया डलाऊँगा। तो अभी चलते हैं काम को, तो जल्दी जल्दी बातें बहुत होंगी। चलो शनाज। अच्छा शनाज, बाय बाय, आपकी मंजिल आ गई। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपनी ये फटफटी के ऊपर, हेलमेट अभी तक नहीं लेके दिया आपने, ये देखो हेलमेट ये टूटा होगा। आपसे आएंगे तो फिर अभी आपको पता है जाने के लिए शॉपिंग करनी होती है। चलो ठीक है, जाओ, मुझे देर हो रही है, ड्राइवर आ चुका है, फिर मुझे फ़ोन करें। चलो बाय बाय। यूट्यूब फैमिली, जैसे आज मैं आया हूँ ना काम पर, तो ड्राइवर भी आया हुआ था, वो भी अभी भी आया हुआ। तो भाई जब साहब बैठे हैं तो साहब ने कहा कब जा रहे हो? मैंने कहा सर आज ड्राइवर आ गया, आज पूरा दिन रहूँगा, तो कल मैं नहीं आऊँगा, तो परसों तक मैं चला जाऊँगा। साहब कह रहे हैं नहीं भाई, तीन दिन आप ड्राइवर के साथ रहें, उसे थोड़ा बहुत कुछ सिखाएँ, कुछ जगह पर का बताएँ। तो भाई अभी तीन दिन तो ड्यूटी पे आना ही पड़ेगा, सोच के तो मैं यही आया था कि आज आखिरी दिन जाऊँगा, फिर उसके बाद बच्चों की और सेटिंग वेटिंग जाना है प्यारी प्यारी। अभी तीन दिन भाई आना पड़ेगा, उसके बाद फिर यानी कि अभी दो तीन दिन थोड़ा लेट हो गया, फिर अभी तीन चार दिन के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं, जब भी जाते हैं तो फिर आपके सामने ही होगा, लेकिन अभी तो ड्यूटी में मसरूफ़ है, तो फिर शाम में देखते हैं क्या होता है जी। तो हो चुकी है शाम, तो अभी जा रहा हूँ मैं जी घर, छुट्टी हो गई है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। चल के देखते हैं घर में क्या रूटीन है, क्या करते हैं। तो घर वालों को मैंने बताना है भाई तीन दिन तो हम नहीं जा रहे, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होगा, जैसे मेरे पता नहीं उनका कैसा होगा। चलते हैं अभी घर। ये देखें यूट्यूब फैमिली, मैं आ चुका हूँ जी घर। तो मेरी वाइफ जो है, ये देखें यहाँ से चारपाई भी हटा दी, अलमारी भी खोल के। तो इनसे पूछते हैं कि क्या प्लान है भाई। शनाज क्या कर रही हैं आप? पैकिंग कर रही हैं। पैकिंग कर रही हैं, कब जाने की तैयारी है? परसों। परसों, अच्छा। मुझसे पूछे कब जा रहे हैं? मैंने दो दिन मैंने और काम पे जाना है। क्यों?
कल भी जाना है, परसों भी जाना है। साहब का बहुत सख्ती से ऑर्डर आया है कि आप इस ड्राइवर के साथ 3 दिन लगाएंगे तो फिर उसके बाद ही आपको छुट्टी मिलेगी, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलेगी। तो आपकी ये पैकिंग, ये ड्रामे सीन, ये कहाँ चले गए? अच्छा, मुझे 1-2 दिन और मिल गए पैकिंग करने में, आराम से करूँ। अच्छा अब्बा, चले क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा आज लाइट नहीं थी ना, सारा दिन लाइट नहीं थी। क्या हुआ? मोबाइल को देख रहे हो? आज नंगे मंगे भी घूम रहे हो, नंगे मंगे भी घूम रहे हो। अच्छा चलो जी, हाँ अच्छा भाई, ये जो आमना है ना, ये हमारे साथ नहीं जा रही, कहाँ रहोगी आप? नानी के घर। ये नानी के घर रहेगी, और इसके साथ इसकी बहन कौन सी रहेगी? ईमान। ईमान, ईमान और आमना नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं, लेकिन अभी 3-2 दिन में ड्यूटी करनी है, उसके बाद फिर टिकटें, फिर टैम, इनके 3-4 दिन की कहानी है। क्या हुआ? एक तो नंगे घूम रहे हो, ऊपर से अजा 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 पे लगे हुए। ठीक है शनास, आज खाने का क्या कर रही हो? बना रही हूँ ना, मटन मटन बना रही। अच्छा तो ये पैकिंग क्या की है? पैकिंग अभी निकाल रही हूँ, वो देखो सूटकेस में वो मैंने डालने के लिए रखे हुए हैं। अच्छा ये देखें जी, ये सूटकेस भरे हुए हैं, और वो तो मेरा सूट खड़ा हुआ है ना। और क्या है? और क्या है? मुझे पसीना भी आ गया। चलो जल्दी करो पैक। भाई सीन ये हो गया कि मैं आ गया था घर, जैसे छुट्टी होगी आपको पता है मैं घर भी पहुंच गया था। तो भाई मेरी मैडम का भी फ़ोन आया, तो वो गोश्त रखा हुआ था मेरे हिस्से का, वो जो उनकी अम्मी के घर से आया था, तो वो मुझे फ़ोन किया अभी अभी उठाओ आके। तो मैं अभी जा रहा हूँ गोश्त उठाता हूँ जाके। तो बस आज की रूटीन की, आज के दिन की यही थी रूटीन जो आपको हमने दिखाई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, बाकी दुआ करनी है आपने। बस 1-2 दिन हमारे और बढ़ गए हैं ऊपर, तो 1-2 दिन के बाद चले जाएंगे भाई, जैसे 1-2 दिन पहले जाने वाले थे अभी 1-2 दिन के बाद चले जाएंगे। कोई मसला नहीं है, सुकून से करने चाहिए काम। तो मिलेंगे कल किसी आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।